नौकरी तो नौकरी होगा, चार साल की नौकरी किसी ने नहीं सीखी। सक्षम योजना अपने लागू है, पहला होगा सक्षम योजना, वह तीन साल खातर काम दे उसमें, फिर उसमें इसमें फर्क के इतना फर्क है कि इसमें दो पीछे बात दे दोगे, लेकिन इसमें इस खातर तैयारी घड़ी करनी पड़ा है, कंपटीशन घड़ी ला गए, इतने जितने तुम रुपये नौकरी करे पास दोगे, इतने रुपये तो बालक अपनी पढ़ाई पर खर्च कर देंगे जब अलग, और उनकी मेहनत का तो कोई मूल्य को नहीं, कितनी मेहनत लाएंगे उस पर। इससे तो अच्छा सक्षम योजना में काम कर लो, जो मेरा नौजवान ने खून चूसन की योजना है सक्षम, वह अपने अनुभव सामने है, बीएड बड़ी बड़ी पढ़ाई करे, बालक जो है वो गोबर ठान लाए, गोबर ठान तक की बात आवा है, पंचायत में उन पर गोबर ठुआ, कुछ भी ठुआया करवाए लोग, हम सक्षम हो तो नाम सक्षम, सक्षम का मतलब काबिल है, इसका काबिल बना दिए, बस सिर्फ बड़ी नौकरी का काबिल नहीं, डीसी इंजीनियर बनने के काबिल नहीं, गोबर ठान का काबिल है, गाड़ा की सफाई करने का काबिल है, सारे काम का काबिल है, कौन जिसने सक्षम कहा है। अगली जो सक्षम वर्गी योजना, अब इसी योजना नरी दूसरी प्रतिया में देखने लग रहे, दूसरी नौकरियों में ठेका प्रथा के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर, जिस भी महकमा में ठेका के नाम पर, आउटसोर्सिंग के नाम पर कच्चे कर्मचारी लागू करे। मास्टर जी तो और भी ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हो, जो रिटायर कर्मचारी हो अच्छी तरीके से जानते हो, जिन महकमा में भी कच्चा रोजगार आया उन महकमा का स्टैंडर्ड नीचे चला गया, स्कूलों में अतिथि अध्यापक आए स्कूलों में का स्टैंडर्ड नीचे चला गया, अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर कर्मचारी आए अस्पताल का स्टैंडर्ड नीचे चला गया, बिजली बोर्ड में कच्चे कर्मचारी आए बिजली बोर्ड का स्टैंडर्ड नीचे चला गया, जड़े जड़े भी आए उसका स्टैंडर्ड जो उसे महकमा का नीचे चला गया। यू तो आप बात करा उस महकमा का स्टैंडर्ड की, और उसमें काम करने वाला का तो स्टैंडर्ड ही नहीं, जिसको ऊपर सारी अड़े तलवार लटकती हो उसका स्टैंडर्ड के है, किसे टाइम भी जूत मार के तो बस के वो गुस्सा है रहा हुआ छोरा कड़ा गुस्सा। हमने बात करी थी उस दिन 63 हटाए दिए, ये उस कॉन्ट्रैक्ट के उसके कच्चा कर्मचारी के जो भुक्त भोगी है 63 जने देर एक्शन जो है एक्शन एक छोटा सा अधिकारी नरवाना का ओट है सिकौती घर भेज दिए, इन्हें धरना चला आंदोलन चला कड़िया कड़िया जो है अपना भी सपोर्ट था अपनी भी बात गई और भाई किसान भी इनका गल है तो उनका दबाव में एक समझौता सा हो या है, इन कच्चे कर्मचारियों का तो यह बात है कदे भी घर दबाए तो उनका स्टैंडर्ड तो कुछ बचिया को नहीं, ठेका का कर्मचारी का कोई स्टैंडर्ड नहीं कोई जीवन नहीं, किस टाइम पर जो है बरना पर आगे खड़ा करते हैं कोई। इसके एक तो रोजगार के ऊपर सबसे बड़ा हमला है, रोजगार तो इसको मानो ही ना, रोजगार नाम की कोई चीज या है नहीं, तो चार साल का रोजगार किसे नहीं चलना। दूसरा नौजवान के आत्म सम्मान का और गरिमा का सवाल है, चार साल का जिसने नौकरी करी अर्जद कहूंगे नौकरी तो रिजेक्ट 25 सिलेक्ट और 75 रिजेक्ट, वो रिजेक्टेड माल चार साल की नौकरी करके ना यू ठप्पा और उसका ला दिया, मतलब नोक फौज का कट्या हो रहा है, यू क्या होगी नी फौज का कट्या हो रहा है, क्योंकि जो लायक थे मेरा वो तो लायक 75 तो मैं लायक साबित होने होने, कितने लायक हो 100 मतलब 75 तो मैं लायक साबित होने होने, यू ठप्पा उनके ऊपर लागेगा, उनका आत्म सम्मान का सवाल है। एक है पढ़ाई का सवाल, उसके भविष्य का सवाल है, ईब जो पढ़ाई करने लग रहे हैं जो तैयारियां करने लग रहे हैं, जो पढ़ाई तैयारियां करने लग रहे हैं को चार साल नौकरी का क्या होगा, उसकी नौकरी का कोई मतलब नहीं बचता, उसकी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं बचता, क्या बनेगा वो करिया दिहाड़ी मजदूरी करेगा, कार्टून आने लग रहे हैं कई सोशल मीडिया के ऊपर, बंदा अग्निवीर जो चार साल के बाद में रिटायर हो गया है और गंडा के खेत में दो लेफ्ट राइट करने लग रहे हैं, पंटर गंडे काटने वाले पंटर मेरे तैयार हो वह गंडे काटने जुटगी, बाद में ये काम करने पड़ेगा किमें किमें तो काम करना पड़ेगा, सरकार ने तो जो है वो ढाके भेज दिए, हूं तो बड़ा बड़ा दावा करें इसके बारे में नौकरी में पैगाम संभालेंगे। तीसरा जो है यू भी एक बड़ा नुकसान है,
सबका नुकसान सेना में सुरक्षा का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। देश की सुरक्षा के साथ में यू मजाक है, सेना के साथ में मजाक है। जब वह कारतूस चलान सीखेंगे इतने उन्होंने कहते हैं घर आने का टाइम कहता है। और आखिरी सबसे बड़ा जो नुकसान है इसका, जिसका सबसे बड़ा नुकसान होना है, वो है समाज के लिए खतरा, समाज के अंदर क्रिमिनलाइजेशन। फिर क्या करेंगे, क्या कहें ईब नु कहें बोले रेलवे स्टेशन लो है समैकी रो है उड़ते थोड़ा वारी सवेरी जाओ तो थोड़ा बच के निकलिए नुए गंदे हो गए। फिर नु क्या करेंगे फलानी जगह पर अग्निवीर रो है और समैकिया पर बंदूक को नहीं उन पर बंदूक है लाइसेंस दे दिया बंदूक दे दी समाज में छोड़ दिए बेरोजगार करके बेरोजगारों का हाथ में बंदूक जो समाज ने के बनाएगा इसका नतीजा आप सोच भी नहीं सकते इसका समाज में के असर पड़ना है। ये तो समाज का मिलिट्रीलाइजेशन जो कराया जाने लगे, ये समाज का जो क्रिमिनलाइजेशन कराया जाने लगे, ये सबसे बड़ा खतरा है। आने वाली पूरी नस्ल ने जो है वो अपराधियों की नस्ल जो है वो तैयार होगी। इन खतरों को समझते हुए यह जरूरत है कि आप इस आंदोलन में लड़ा और इस आंदोलन को समझते हुए ज्यादा टाइम न लेते हुए ये दो संगठन जो मेनली आज अपने कोल दे ही है।